अम्मा जी हम जब छोटे थे ना बचपन में हमारा एक तो दोस्त रहा चटंकी। तो क्या हुआ आपको पता है, वो 15 साल पहले आज ही के दिन ना चटंकी नदी में कूद गया और उसी वक्त नदी में बाढ़ आ गया और वो हमारी आंखों के सामने बह गया। हमारे तो वापस नहीं आ सकते ना, लेकिन मरे हुए की आत्मा तो वापस आ सकती है। चटंकी की आड़ में सही कम से कम भाभी जी का प्यार तो मिल जाएगा। हमारा नाम भिवू नहीं है, हमारा नाम है चटंकी पाणे। अरे हमरे चटंकी की आत्मा भरभूती जी से चिपक गई है। तो फिर आ गया लीचड़ आदमी। ये क्या क्या बकवास कर रहे हैं भरभूती जी आप? हम चटंकी हो चटंकी। गुड मॉर्निंग भरभूती जी। हम तोरा चटंकी हो चटंकी। एक बार जरा आई लव यू बोलो। क्या हरकत है चटंकी? इमा हरकत का है, हम तोरा दोस्त हूँ, दोस्त को अलग ही नहीं बोल सका था का? तो जिंदा था तो बहुत सीधा था रे, तो तू मरने के बाद बहुत बदतमीज हो गया है। तभी तो बहुत खूबसूरत हो गई है। तुझे देख के हमरा बदतमीजी करे का दिल करता है, अब क्या करें? बस बस हाँ, ये सब फालतू का बात ना ही करो हमसे। तुम जिंदा थे तो कभी ऐसा बात ना ही किए हमसे। तब हम बच्चा थे और तू भी बच्ची थी, अब तू बड़ी हो गई और खूबसूरत भी हो गई है। हाँ जब हम छोटे थे बचपन में कितना मस्ती करते थे, याद है तुमको? तो बहुत याद है, बहुत याद है, बहुत मस्ती करती तू। तुमको एक बार याद है हम भरी दोपहरी में गए थे जामुन तोड़ने के लिए गांव के बाहर? हाँ हाँ हल्का हल्का हमको याद आ रहा है। तो हम दोनों जब गए थे तुम डाली के ऊपर चढ़ गए थे पेड़ के ऊपर। हाँ तू कहाँ थी? हम नीचे खड़े थे ना झटंकी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो हम क्या कर रहा था ऊपर से? और तुम जोर जोर से डाली हिला रहे थे। अब उनका बात क्या हुआ? बहुत सारे जामुन गिर रहे थे और हम खा रहे थे। उनका बात क्या हुआ? उनके बाद तुमको याद ना आई का? हल्का हल्का याद आ रहा है। उनके बाद वो मोटा सा बंदर आ गया था। उनका किस? वो बंदर का किस? और वो तुम पे हमला कर दिया था। अच्छा फिर? और तुम लत से नीचे गिर गए थे। तुम इतना जोर से गिरे थे। याद आया कि नहीं? नहीं। अखे छोड़ो, हम तुमको दूसरा एक ठो और भैंसिया वाला किस्सा सुनाते हैं। अरे यार भाभी जी के लंबे लंबे और बोरिंग किस्से शुरू होने वाले हैं। विभूति कम बैक। हम दोनों बैठकर भैंसिया के पीठ पर बैठकर नहीं जा रहे थे जब मेले में। चटंकी याद आया कि नहीं? हेलो भाभी जी, हेलो, हाय। चटंकी गया का? चटंकी आया था क्या भाभी जी? वाज ही हियर? कहाँ? आपके अंदर घुसा था ना अभी, हमसे बहुत सारी बातें कर रहा था। बचपन की यादें ताजा कर रहे थे हम उनके साथ। कितना मजा आ रहा था। या 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 या। एक्चुअली हम आपको सुनाते हैं हमरा और भैंसिया वाला किस्सा चटंकी। भाभी जी प्लीज, आपके चटंकी के पास टाइम होगा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव लोड्स ऑफ वर्क टू डू, राइट? कैच यू लेटर। ये तो नल्ले हैं, इनके पास काम कहां से आया? ठीक बा जाने दो। ये चटंकी की वजह से कमबख्त हमारा जीना मुश्किल हो गया है। ये भभूति जी भी जब मन में आए भाभी जी के सामने में धो के चले जाते हैं। और ये अंगूरी को भी नित नए नए तोते पालने की आदत है, बाद में इसके पाले हुए तोतों को हमें झेलना पड़ता है। यार मलखान, मेरी तो जान निकल गई यार। सारे मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गो। क्यों बे लौंडो, तुम्हारे गुर्दे क्यों पीले पड़े हुए हैं? ऐसा का देख लिया भैया? हमने जो देखो है ना, अगर आप भी वो देख लो ना तो आपके गुर्दे ना पिचक जाएं। मैं वही तो पूछ रहे हैं, ऐसा क्या देख लिया तुम लोगों ने? भैया जी हमने चुड़ैल देख ली। वो हेतरा में ना वाकी लोंडिया है ना जो अनोखी, वा चुड़ैल बन गई। अबे तो ऐसा क्या कांड कर दिया इस बार उसने? भैया जी हम ना अपने घर की तरफ लौट रहे थे और जैसे ही हम घर के सामने पहुंचे ना तो कोई अचानक से हमारे सामने कूद गो
और हमारे गुर्दे सुखड़ गए। भैया वनों की अति और कूद के हम दोनों के सामने से कुलाबाजिया करती हुई चली गई। भैया भैया डर के मारे मैं और मलखान है ना, हम दोनों की घिघी बन गई। भैया हम घर ना जाएंगे, हम तो यहीं पे रहेंगे भैया, हमारे तो यहीं पे इंतजाम कर दो भैया, थोड़ी सी पिला दो भैया। थैंक यू भैया, मिले मखान। अरे भैया तिवारी यार, जो कॉलोनी में हो कर रहा हूँ जो क्या क्या हो क्या गया दरोगा जी? अरे क्या बताएं भैया तिवारी, हम ड्यूटी के बाद स्कूटर से जा रहे थे, अचानक से लगते से वो हेतराम की लौंडी ऐसे गिरी कि हम घबरा गए हम यार। और फिर उल्टी चल के से गई और पीपल के पेड़ पे उल्टी जाके ऐसे लटक गई यार। बाव तो तिवारी कलेजा मुंह को आ गो। ना छोड़ेगी हमको, जान ले का मानेगी। दरोगा जी, हाँ, आपकी जेब पैंट गीली कैसे आ गई? हाँ? वो क्या बताए लौंडो, अचानक से बोले तो गर्मी के मारे पसीना सो निकल गो माओ। दरोगा जी आपको तो सारो डर निकल गो। अरे चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे, आए मर गया यार। उड़ उड़ बैठी हलवैया दो कनिया आहे, भीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, भीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। या बेबी तुम विभुओं की छटंकी हो। ऑफ कोर्स बेबी मैं विभु ही हूँ। किसी और की मजा ले तुम्हें बेबी बोल दे, मुंह तोड़ दूंगा उसका। तुम्हें तो यार किसको खिसक गया। क्या सोच रहे हो? यार मैं सोच रहा हूँ, छटंकी मुझ में आता है तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे कुछ मालूम ही होता क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना? होता है जब लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं ना तो उन्हें होश नहीं रहता। You trying to say कि मुझे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं? मुझे तो पूरा इस बात पे यकीन है कि तुम्हें बेरोजगारी के फ्रस्ट्रेशन की वजह से पागलपन के दौरे पड़ते हैं। तुम्हारे दिमाग का बैलेंस बिगड़ गया है, इसीलिए कहा था नौकरी कर लो। बेबी तुम कैसी बातें कर रही हो यार, ये पागलपन का दौरा कैसे हो सकता है? देखो छटंकी जो बातें कह रहा है खुलेआम कह रहा है, और भाभी जी उन बातों को मान रही हैं, तस्दीक कर रही हैं, पुष्टि कर रही हैं, उसके बावजूद तुम्हें लग रहा है कि मुझ पे पागलपन के दौरा पड़ रहा है? Come on, get a life, यार। अंगूरी जी की बात छोड़ो, अंगूरी जी सीधी हैं, उन्हें कल को कोई ये कहेगा ना कि भैंस की 5 टांगे होती हैं तो वो इस बात पे भी यकीन कर लेंगे। मैं उनके जैसी सीधी नहीं हूँ। हाँ तुम बहुत सियानी हो। क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम जब मुझ में वो आया ना छटंकी, तो तुम ना वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना। आई वांट टू सी कि मैं कैसा लगता हूँ व्हाइल छटंकी इज इन मी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने लखनऊ के वो बड़े मनोचिकित्सक का नाम सुना है, डॉक्टर मनहरण शर्मा? मैंने उनको फोन लगा दिया है, अब वहीं आएंगे, तुम्हें देखेंगे, शॉक वॉक देंगे या 10-11 इंजेक्शन लगाएंगे, ना जाने क्या करेंगे, अब वही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। मैं कॉफी लेके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। वैसे भी डॉक्टर मनहरण शर्मा कानपुर स्टेशन पहुंच गए होंगे, आएंगे, देखेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, जो करना है करेंगे। रायता फैल गया यार। क्या यार, एक नई मुसीबत आ गई अभी, डॉक्टर मनहरण।
ये आ गया ना तो इज्जत का तो हरण कर ही लेगा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा मुझे, मुसीबत है यार। प्रेम को फोन करता हूं, शायद कुछ बात बने। विभूति का फोन, क्या बात है? बोल विभूति, क्यों फोन किया है? यार प्रेम, मैं ना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ यार। अबे साले, ये कोई न्यू बात थोड़ी ना है तेरे लिए, तू तो हमेशा ही मुसीबत में फंस जाता है। अब ये बता, आज क्या मुसीबत में फंस गया है? मैं तुझे फोन में नहीं बताऊंगा, तू मेरा छोटा सा काम कर दे बस प्लीज। देख यार, ये तू पैसे वैसे मत मांगना यार। तुझे भिखारी लगता हूँ क्या? मैंने पैसों के लिए फोन नहीं किया। तो फिर किस लिए फोन किया है? यार देख, एक्चुअली क्या है ना कि तू एक काम कर, तू चला जा कानपुर रेलवे स्टेशन। अबे ओ विभूति, मैं कानपुर स्टेशन पर ही खड़ा हूँ। वो क्या है ना, गुलफाम कली लखनऊ से एक प्रोग्राम करके आ रही है और मैं उसे रिसीव करने आया हूँ। फैंटास्टिक प्रेम, उसी ट्रेन से लखनऊ के मशहूर डॉक्टर मनहरन आ रहे हैं। तू जानता है ना उनको? हाँ, मैं जानता हूँ, वही ना जो पागलों का डॉक्टर है। Yes, right. तो क्या करना है, उसे उठवाना है क्या? तू उठवा चाहे कुछ भी कर, लेकिन वो डॉक्टर हमारी मॉडर्न कॉलोनी में नहीं आना चाहिए बस। क्या भाभी ने तेरा इलाज करवाने के लिए बुलाया है क्या उसको? एक्चुअली क्या है यार, क्या भाभी जी का एक बचपन का दोस्त था छटंकी। समझा मेरी बात, तू डॉक्टर मनहरन को वहीं लपक लेना, वो यहाँ पे आना नहीं चाहिए प्रेम, अंडरस्टैंड? डोंट वरी विभूति, वो डॉक्टर तेरे घर तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी। प्रेम, थैंक यू सो मच, यू आर ऑलवेज सो हेल्पफुल यार। चल ठीक है, एक नंबर का कमीना है साला। ओ, तो भभूति जी अपने अंदर छटंकी की आत्मा आने का नाटक कर रहे हैं, बहुत अच्छे। हलवा बनाए हैं लौकी का, आज हमरा छटंकी आने वाला है दिनार पर, हमको बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी। अब बस आ जाओ जल्दी से छटंकी। अंगूरी, डिनर तैयार है? देखिए ना, सब कुछ तैयार है, लगा भी दिए हैं टेबल पर। अब जाइए ना जल्दी से, बुलाइए अनीता जी और छटंकी को, जाइए। एक मिनट, वो भभूति जी है, छटंकी नहीं है, समझी क्या? छटंकी छटंकी लगा रखा है। कहा है ना लड्डू के भैया की, जब से वो छटंकी भरभूति जी के अंदर घुसने लगे हैं ना, और तब से भरभूति जी हमको छटंकी ही नजर आते हैं। अरे यार क्या करे इस बॉडम औरत का। क्या बोले? कछु नहीं। क्या बोले? आ जाइए जाइए ना, बुला के लाइए। चलो आ गए। हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी, हेलो भाभी जी, हेलो अनीता जी, हेलो भाभी जी, हेलो, हेलो छटंकी। क्या छटंकी छटंकी, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। हाँ बैठिए बैठिए। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। अंगूरी जी, क्या क्या बनाया आपने? अनीता जी, आज ना हम छटंकी के सारे कारपोरेट डिश बनाए हैं। भाभी जी, इट्स नॉट कारपोरेट डिश, इट्स फेवरेट डिश। सही पकड़े हैं। अच्छा, टंकी को ना लौकी का हलवा बहुत पसंद था, बहुत पसंद था, वो सब बनाए हैं उनके लिए। हम कहा बोल रहे भरभूति जी, उनको बुलाइए ना, छटंकी को बुलाइए ना। नहीं 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 अंगू जी प्लीज, अब आप छटंकी को मत बुलाइए यहाँ पर। प्लीज अनीता जी, उनको आने दीजिए ना, वो बहुत अच्छा है, आपको बिल्कुल परेशान ना ही करेगा, आने दीजिए ना, हम देखिए ना कितना सारा बनाए खाना उनके लिए। नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन है तो भूत ना, आई कांट हैव डिनर विद अ गोस्ट। प्लीज अनीता जी प्लीज, हमारे बचपन का दोस्त है, वो बेचारा ऐसे ही मर गया, अब कछु खाएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, बुलाने दीजिए ना उनको। गुरुजी मगर कम ऑन, अनु हैव अ हार्ट। इतना जिद कर रही भाभी जी,
बुलाते छटंकी को, बुलाने दो, क्या प्रॉब्लम है? ऑलराइट भाभी जी, मैं छटंकी को बुला रहा हूं. I'm calling him. Come on, छटंकी, come. छटंकी, आ बार बार हमका बुला रहा है, हम पहले से ही आ चुका हूं. लड्डू के भैया? लड्डू के भैया नहीं, हम तो हर बचपन का सखा, तुहार बंधु छटंकी. तुम छटंकी हो? हाँ, हमारी छटंकी हैं. लेकिन हमको एक ठो बात समझ ना ही आया, और तुम तो अभी तक भगवती जी के अंदर घुसते थे, ये अचानक पार्टी काहे बदल लिए? कहा है ना कि हमें इस नल्ले की बाड़ी में कमीनेपन का, नल्लेपन का, लीचड़पन का बहुत बुरा बदबू आ रहा था, इसलिए हम तो हाँ लड्डू के भैया तिवारी जी की इस स्वच्छ बाड़ी में शिफ्ट हो गए. अच्छा किए. ये छटंकी की आड़ में कहीं तिवारी जी तो नहीं बोल रहे हैं? रट नल्ला. अबे ओ, तू कोई भी है, तुम्ही से बात करवाना दूंगा. ओफो, ये क्या हो रहा है खाने की टेबल पर? गुरुजी, मैंने कहा था ना मत बुलाइए छटंकी को, फैल गया रायता. नहीं नहीं अनीता जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ना खाना खाइए. हाँ, अभी हम छटंकी को डांट लगा के चुप करते हैं. देखो छटंकी, ज्यादा बदमाशी ना आए करो, चुपचाप खाना खाओ. हाँ, इतना सब कुछ बनाया है तुम्हारे लिए. ठीक है, चुपचाप खाते हैं अंगूरा. लेकिन उससे पहले तनिक हमका एक काम करने दो. हाँ, कर लो काम अपना. ठीक बा अंगूरा, यहाँ आओ. तिवारी जी, आप ये भूख नहीं मारेंगे? तिवारी नहीं, छटंकी. दाल पास करो. कैसन बा, कैसा बना है? बहुत बढ़िया. यार तो क्या आदमी है पजामा, ये तो वैसे जोशोर डरे भाई हैं. अरे दादा, दरबार जी देखो ये बलखान को. हाँ. बकवास कर रहे हो, कह रहे हो घर जाऊं घर जाऊंगा, चुड़ैल रास्ते में पकड़ लो तो. कारे लौंडे, सही तो कह रहा हूँ मैं, जाते हीरो बन रहा हूँ का, तुझे पता है एक बार बागर चुड़ैल ऐसे चिपक गई ना सारे, छूटे से भी ना छूटेगी, पगला बेताल की तरह बिलबिला तो रहोगे. दरोगा जी, तुम वह चुड़ैल को क्यों ना पकड़ रहे, जे वर्दी का तुमने घुइयां छीलने के लिए पहन रखी. बकवास कर रहे, दिमाग खराब कर रहा हूँ मैं, जब वर्दी सतर का भूत प्रेत पकड़ने के लाने बहनिए का दरोगा है कि तांत्रिक है, जो फूक मारी चुड़ैल को पकड़ो, बगल में दबा लाओ और चलेगा टहलते. इस तेरे सारे ज्यादा गर्दन में खुजली हो रही है तो मर, भैजी के भैज सारे के भग भग भग. रामपुर समझा रहे हैं भले के लाने. हाँ माँ जी, हाँ हाँ गर्मी का तैयारी सब शुरू कर दिए हैं. हाँ, कल कूलर भी साफ कर लेंगे. देखिए ना कितना गर्मी पड़ रहा है, अप्रैल में ही 12-40 के पार पहुंच गया है. हाँ हाँ, अपना ख्याल रखिए. हाँ हाँ, ठीक बा, कॉल करेंगे फिर. प्रणाम कर रहे हैं. अम्मा जी से बतिया रही हो पगली? हाँ अम्मा जी से बात कर रहे थे. हदिया, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करने मतलब? अरे हम सब सोने आए हैं यहाँ, और क्या पगली? नहीं नहीं हदिया, लेकिन हम आपके साथ ना ही सो सकते हैं. अरे हमारे साथ काय नहीं सो सकती, हम क्या कीचड़ में लिपट कर आ रहे हैं?
कहा है ना लड्डू के भैया कि अब आपके बॉडी के अंदर वो छटंकी का आत्मा आता है। हाँ वो तो आता है, तो क्या करें? तो क्या वो अगर रात को आपकी बॉडी में आ गया, अच्छा तो हमको तो ये लगेगा ना कि हम आपके साथ ना ही बल्कि वो छटंकी के साथ सो रहे हैं। नहीं पगली, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। ना ये बहुत शरारती है, वो आ जाएगा। हमने कहा ना पगली, वो नहीं आएगा। भैया लेकिन आप कैसे बोल सकते हैं कि वो ना ही आएगा? वो हमारा दोस्त है क्या आपका? हमको पता है वो आ जाएगा, बहुत शरारती है वो। उसको बहुत आदत था हमारे साथ मस्ती ठिठोली करने का। साला क्या मुसीबत है यार। लड्डू के भैया पगली आइए यहाँ। आप आराम से यहाँ सो जाइए, हम दूसरे कमरे में जाकर सोते हैं। हाँ, गुड नाइट। अरे सुनो पगले, अगुरे शरम मूड खराब करके रख दिया।